हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो है टॉपिक नया है, लेकिन इससे संबंधित टॉपिक ही चल रहा था, सहलग्नता। तो सहलग्नता को सिद्ध करने के लिए जो है मार्गन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं, या सहलग्नता के लिए मार्गन की संकल्पना कहा जाता है। तो आइए आज हम मार्गन की संकल्पना को समझते हैं, और उसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो निष्कर्ष जरूरी है समझना। तो देखिए, मार्गन जी का पूरा नाम था थॉमस हंट मार्गन। थॉमस हंट मार्गन ने फल मक्खी, जिसे अभी तक ड्रोसोफिला लिख करके आए हैं, जिसे जंगली मक्खी या फल मक्खी या इसका जूलॉजिकल नाम ड्रोसोफिला मिलेनजियोगैस्टर है, ठीक है। तो थॉमस हंट मार्गन ने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पर प्रयोग करके सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछा जाता है कि सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आपका उत्तर होगा थॉमस हंट मार्गन ने। इसके बाद आप पूछा जाता है कि सहलग्नता को किस जीव पर सिद्ध किया गया, या सहलग्नता को समझने के लिए किस जीव का प्रयोग किया गया, तो आप बताओगे फल मक्खी या जूलॉजिकल नाम ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। तो ये लाइन तो एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब देखते हैं कि मार्गन की संकल्पना क्या है। जिस प्रकार से हम मेंडल का प्रथम नियम यानी प्रभाविता का नियम पढ़ते आए हैं, सेम वही नियम यहाँ भी फॉलो होता है। इसके बाद यफ्टू पीढ़ी में दि संकर संकरण का नियम यानी कि तृतीय नियम फॉलो होता है। तो उन्हीं दोनों नियम को फॉलो करके यहाँ पे जो निष्कर्ष आएगा वो मार्गन की संकल्पना का निष्कर्ष होगा। देखते हैं, जब मार्गन ने सामान्य रंग, सामान्य पंखों वाली यानी सामान्य रंग के शरीर व सामान्य पंखों वाली ड्रोसोफिला का काले रंग तथा अवशेषी पंखों वाली, ठीक है, अवशेषी आपको बताया था ऐसे अंग जो कार्य ना करने के कारण या किसी कार्य में उपयोजित ना होने के कारण अवशेष हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं यानी विलुप्त हो गए हैं। शरीर में उनके निशान या चिन्ह उपस्थित हैं, लेकिन वो अंग पूर्ण उपस्थित नहीं है या पूर्ण विकसित अंग उपस्थित नहीं है। तो यह था अवशेषी अंग। तो मार्गन ने सामान्य रंग, सामान्य पंखों वाली ड्रोसोफिला का काले रंग तथा अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला से संकरण कराया, तो क्या हुआ, F1 पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में सभी मक्खियां सामान्य रंग के शरीर और सामान्य पंखों वाली थी। यानी पहली पीढ़ी में एक ही प्रभावी लक्षण यानी एक ही पौधे के, आप कह सकते हो एक ही मक्खी के प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुए, यानी सामान्य रंग और सामान्य पंख वाली एक ड्रोसोफिला थी और एक काले रंग तथा अवशेषी पंखों वाली थी, जिसमें से पहली पीढ़ी में सभी मक्खियां सामान्य रंग के शरीर और सामान्य पंखों वाली थीं, यानी कि सामान्य रंग और सामान्य पंख वाली ही मक्खियां पहली पीढ़ी में उत्पन्न हुई, क्योंकि पहली पीढ़ी में जो सामान्य रंग और सामान्य पंख हैं वो लक्षण जो है प्रभावी है, यानी मक्खियों में जो पहली पीढ़ी है इसमें सामान्य रंग और सामान्य पंख का जो गुण है वो प्रबल है, प्रभावी है,
अपने को व्यक्त कर पा रहा है, जिसके कारण पहली पीढ़ी में सभी मक्खियां सामान्य रंग के शरीर और सामान्य पंख वाली उत्पन्न हुई। इसके बाद जब मार्गन ने द्वितीय पीढ़ी कराई तो उसमें देखिए क्या हुआ कि इसके पश्चात यफ़ुअन पीढ़ी के, यानी ये द्वितीय पीढ़ी शुरू हुई और यफ़ुअन पीढ़ी के सामान्य रंग सामान्य पंखों वाली, यानी सामान्य रंग और सामान्य पंखों वाली संकर मक्खियों का, क्योंकि जो यफ़ुअन पीढ़ी में सभी मक्खियां सामान्य रंग और के शरीर और सामान्य पंखों वाली प्राप्त हुई तो उसमें भी जो है दूसरी वाली मक्खी, यानी जिसके अवशेषी पंख और काला शरीर था, उसके भी कुछ गुण आए जिसके कारण ये मक्खियां संकर हो गई, यानी कि मिश्रित लक्षणों वाली। तो यफ़ुअन पीढ़ी के सामान्य रंग सामान्य पंखों वाली संकर मक्खियों का काले रंग व अवशेषी पंखों वाली मक्खियों से संकरण कराया, अर्थात जो हमें यफ़ुअन में प्राप्त हुई रिजल्ट जो आया, जो यफ़ुअन पीढ़ी की जो संतति उत्पन्न हुई वो संतति, और यफ़ुअन पीढ़ी में जो हमारे जनक थे उनमें से काले रंग और अवशेषी जनक वाली ड्रोसोफिला को लिया गया, जिससे हमें मेंडल के नियमानुसार यफ़टू पीढ़ी में 1:1:1:1 का अनुपात प्राप्त होना चाहिए था। यानी मेंडल के नियमानुसार जो द्वितीय पीढ़ी में संतति होनी चाहिए थी वो 25-25 प्रतिशत में आनी चाहिए थी, यानी चारों संतति एक दूसरे से भिन्न आनी चाहिए थी, परंतु ये नहीं हुआ। ऐसा ना होकर पैतृक प्रकार और नए पुनर्संयोजित लक्षण प्रारूप 83:1:7 के अनुपात में प्राप्त हुआ। यानी हमें प्राप्त कैसा होना चाहिए था, 1:1:1:1, यानी कि 100% में से 25-25%, यानी 4 जगह आना चाहिए था, लेकिन मेंडल के नियमानुसार ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हो क्या गया कि पैतृक, यानी ऐसा ना होकर पैतृक प्रकार के लक्षण आए और पुनर्संयोजित लक्षण भी आए, उसके साथ साथ उसका जो अनुपात आया वो 83:1:7, यानी 83:17 के अनुपात में हमें रिजल्ट आया। यानी यहाँ पर मेंडल का जो यानी नियम फॉलो होना चाहिए था वो मेंडल का नियम फॉलो नहीं हुआ। और यहाँ पर ये ग्राफ इसलिए नहीं बना के दिखाया जा रहा है क्योंकि 83:17 को दिखाना नामुमकिन है पुन्नेट के चेकर बोर्ड द्वारा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बना के नहीं दिखाया है। आपको थ्योरी मिली हुई है और इसी थ्योरी के द्वारा इस मार्गन की संकल्पना को कंप्लीट करना है। तो इन दोनों की, यानी यफ़ुअन पीढ़ी और यफ़टू पीढ़ी, दोनों पीढ़ी से जो निष्कर्ष आया वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो जो यफ़ुअन पीढ़ी और यफ़टू पीढ़ी में जो निष्कर्ष निकाला गया वो निष्कर्ष ये हुआ कि जब यफ़ुअन की पीढ़ी के बाद यफ़टू पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें जब हमको 83:1:7 के अनुपात में, यानी 17:1:7 में जो परिणाम या अनुपात प्राप्त हुआ यह है, यदि पैतृक लक्षण प्रारूप, यानी यदि पैतृक लक्षण प्रारूप का अनुपात 50% से अधिक आता है, यानी 50% से अगर अधिक आ जाता है पैतृक लक्षण प्रारूप, तो जीन्स के मध्य सहलग्नता को प्रदर्शित करता है। यानी किसी का भी प्रतिशत 100 में आता है और 100 में से अगर लक्षण प्रारूप पैतृक वाला 50% आता तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें सहलग्नता का गुण है, यानी लिंकेज है। क्योंकि जब हमारी संतति में 50% पितृजों के लक्षण आएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें सहलग्नी लक्षण उपस्थित थे और सहलग्नी जीन थे जिसके कारण सहलग्नी लक्षण आए हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकला कि सामान्य रंग या सामान्य रंग के शरीर वाली
व सामान्य पंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खी के लक्षणों के जीन्स एवं काले रंग व अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के जीन्स द्विसंकर संकरण में सहलग्न हुए। क्योंकि आपको बताया 50% से ज़्यादा जब अनुपात प्राप्त हो जाएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पर पैतृक लक्षण सहलग्न हुए हैं, और वही यहाँ पर भी हमें अनुपात निष्कर्ष में भी लिखना है। निष्कर्ष में समझ में आ गया कि सामान्य रंग व सामान्य पंखों वाली ड्रोसोफिला के जीन्स एवं काले रंग व अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के जीन्स द्विसंकर संकरण में लिंकेज हुए यानी सहलग्न हुए। ये थी मार्गन की संकल्पना, यानी सहलग्नता के लिए मार्गन की संकल्पना या सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तब भी आपको यही लिखना है और ये याद रखना कि इसको प्रस्तुत किस पर किया गया, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर जिसे फलमक्खी कहते हैं और थॉमस हंट मार्गन ने सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी के साथ आज का टॉपिक सहलग्नता के लिए मार्गन की संकल्पना समाप्त हुआ। आप इसको बहुत अच्छे से लिखना और कई बार पढ़ना, आसानी से आ जाएगा समझ में।